हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले आज प्रदेश भर में कर्मचारियों ने डीसी कार्यालय का घेराव कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। करनाल में भी हजारों की संख्या में कर्मचारियों ने जिला सचिवालय के बाहर पहुंचकर डीसी कार्यालय का घेराव किया और सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने किसानों के समर्थन में कहा कि सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस ले, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ठेका प्रथा बंद की जाए और अन्य विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों ने सरकार को जमकर कोसा। कर्मचारियों ने कहा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती उनका विरोध जारी रहेगा और आगे सर कर्मचारी सरकार के मंत्रियों का भी घेराव करेंगे। आज का जो प्रदर्शन है वो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और ट्रेड यूनियन के आह्वान पे है, डीसी ऑफिस का घेराव है और इन मांगों के लिए है कि हरियाणा सरकार की और केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उनको वो वापस ले, कर्मचारी विरोधी नीतियों को वापस ले, जिसमें मुख्य रूप से कृषि कानून वापस लेना और कर्मचारियों का जो और जो कच्चे कर्मचारी और जो निजीकरण की नीतियाँ हैं उनको वापस लेना, इसके लिए विरोध है।